जय मसीह की क्रिएटिव माइंड 79 चैनल में आपका स्वागत है गाइस। आज मैं बताऊंगी आपको एटीटी पीटीटी कोर्स के अंदर एक फाइल बनती है जो जिसके अंदर हमें तीन इंग्लिश और तीन हिंदी स्टोरी लिखनी होती है। तीन कहानियां हिंदी की होनी चाहिए और तीन कहानियां इंग्लिश की होनी चाहिए और वो आप किसी भी बुक में से देख के लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने ये एक बुक ली थी, इसमें से मैंने हिंदी की कहानियाँ ली, इंग्लिश की बुक मुझे मिली नहीं, मेरी कहाँ रखी है वो, उसमें से मैंने तीन इंग्लिश की स्टोरी लिखी। ये फ्रंट पेज है मेरी फाइल का जिस पे मैंने लिखा मनोहर कहानियाँ। चार्ट पेपर लगा के ऊपर से हल्का सा इसको कलर से डेकोरेट किया, पक्षी बनाए और ये बूटे, और पिक्चर कोई भी पिक्चर को कट करके मैंने पेस्ट किया है यहाँ पर और उस पर हल्का हल्का सा क्लियर किया। ये फ्रंट पेज मैंने बनाया और उसके बाद मैंने इसके ऊपर लिखा मनोहर कहानियाँ। ये फाइल का फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज पर मैंने नेशनल अकेडमी ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग लिखा और फिर से मैंने ये सब चीज़ें कंप्लीट करने के बाद टीचर ने साइन किया। और ये जो सीट्स इसके अंदर होती है इसको A4 साइज की सीट्स बोलते हैं। ये पूरी प्लेन होती है लेकिन एक कलर मिलते हैं, उन्हें बोलते हैं पोस्टर कलर, वो ड्राई कलर होते हैं, उनसे हल्का हल्का हर शीट को क्या है अपने हिसाब से कुछ भी आपको कलर देके फिर लिखना होता है ताकि इसकी फाइल जो है अच्छी दिखे। वो स्टूडेंट की अपनी चॉइस होती है वो क्या करना चाहे। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे ऑरेंज वाइट और ग्रीन कलर देके नेशनल फ्लैग को बनाया और फिर मैंने यहाँ पर फ्रंट पेज को तैयार किया। उसके बाद है टॉपिक कि मैंने कौन कौन सी कहानियाँ लिखी। तो यहाँ पे सीरियल नंबर और टॉपिक और टीचर सिग्नेचर के लिए ये पूरा इंडेक्स बनता है। और मैंने यहाँ पर स्टोरी का नाम लिखा। पहली मैंने तीन हिंदी की स्टोरियाँ लिखी हैं जिसमें पहली स्टोरी है लोमड़ी और सारस, दूसरी है खरगोश और कछुआ, तीसरी है कौवा और घड़ा। और इंग्लिश में मैंने लिखी है द ग्रीडी डॉग, और पांचवें नंबर पर द फॉक्स एंड द क्रो, और सिक्स नंबर पर है द फॉक्स एंड द गॉड। इस तरीके से ये पूरी तैयार करनी होती है। ये भी पूरी करने के बाद फिर क्या है यहाँ पर साइज, ये स्टोरी आ गई है। ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं गाइस, ये पिक्चर जो है खुद से ही ड्रॉ करनी होती है, खुद से ही बनानी होती है। ये जो साइड में आप कलर देख रहे हैं ये कलर ड्राई कलर होता है, ये आउटलाइन दी हुई है। आप जैसे मर्जी तैयार करो, फाइल अच्छी दिखनी चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स ने बहुत बहुत अच्छी बनाई और मैंने भी इस तरीके से तैयार की। और उसके बाद ये सीट भी जो पूरी सारी सीट जो है प्लेन होती है, सब पर हल्का हल्का सा कलर देकर फिर ये स्टोरी लिखी हुई है। जैसे कि आप देख रहे हैं सारी यहाँ से स्टोरी लिखी हुई है, पिक्चर के साथ ये मैंने पूरा तैयार किया और ये इस तरीके से पिक्चर बनती है। और स्टोरी भी हमने इस तरीके से सारी सीट्स को कलर देते रहे और पिक्चर ड्रॉ करके और उसके बाद स्टोरी को लिखना होता है। लास्ट में मोरल होता है, मोरल है स्टोरी का जैसे को तैसा, इसका निष्कर्ष निकला इस स्टोरी का जैसे को तैसा। आपने सुना होगा बहुत बार कि सारस को क्या है वो इनवाइट करता है। इस स्टोरी में लिखा हुआ किसी जंगल में एक अत्यधिक चतुर लोमड़ी रहती थी, उसे दूसरों को मूर्ख बनाने में बहुत आनंद आता था। उस चतुर लोमड़ी की मित्रता एक सारस से थी, मगर बेचारा सारस बहुत सीधा साधा और सच्चा प्राणी था। एक दिन लोमड़ी ने सोचा कि क्यों ना सारस के साथ भी थोड़ा हंसी मजाक कर लिया जाए। यही सोचकर वह सारस के पास गई और उसे अपने यहाँ भोजन का नोता दिया। धन्यवाद लोमड़ी जी, सारस बोला, मुझे भोजन पर आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस आप समझ ही गए होंगे ये स्टोरी का मतलब है कि जब उसने उसको इनवाइट किया लोमड़ी ने सारस को, तो आप देखिए लोमड़ी ने, क्योंकि लोमड़ी तो खुले बर्तन के अंदर खाना खा सकता है लेकिन सारस नहीं खा सकता। लेकिन फिर आपने देखा होगा कि जब सारस ने उसे इनवाइट अपने घर किया तो सारस ने अपने हिसाब से वो ऐसे बर्तन में खाना खा सकता था और लोमड़ी ऐसे नहीं। तो ही स्टोरी, तो उसने जब इनवाइट किया तो उसने उसके साथ ऐसा ही किया और फिर उस स्टोरी का नाम निकला, मोरल निकला जैसे को तैसे। तो इस तरीके से ये पूरी फाइल तैयार करनी होती है। ये स्टोरी भी आपने सुनी होगी खरगोश और कछुए की, है ना, और इसका मोरल है न
आपको इसकी पिक्चर दिखाऊं। और इसका मोरल है, देखिए आप खरगोश यहाँ पर सो गया और कछुआ जो है आगे निकल गया। और ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लिखा हुआ है स्टोरी का निष्कर्ष है, सफलता की राह में आलस सबसे बड़ी बाधा है। तो इस तरीके से ये पूरी फाइल तैयार करनी होती है। ये कौवा है, आपने देखा होगा कि कौवे की एक स्टोरी होती है, ये पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ। आप अलग अलग शीट्स देखिए कितने अच्छे से तैयार की हुई है, सब पर अलग अलग शेड दिख रहे हैं कलर के, और स्टोरी लिखी हुई है। और इस कौवे की स्टोरी ये होती है कि इसमें थोड़ा सा घड़े के अंदर पानी होता है, पर कौवा अपनी समझ बूझ के साथ क्या है, इसके अंदर बहुत सारे पत्थर डालता है। देखिए कितनी अच्छी पिक्चर बनी है, कितना सुंदर लग रहा है घड़ा, और उसके बाद ये लिखा हुआ है। और जब पानी ऊपर आ जाता है तो क्या है, कौवा पानी पी लेता है। और इस स्टोरी का निष्कर्ष है, यदि व्यक्ति ठान ले तो असंभव कुछ भी नहीं है, है ना। एक छोटा सा पक्षी और थोड़े से पानी को कितनी सारी कंकरियां डालकर और उस पानी को ऊपर ले आता है और अपनी प्यास को बुझा लेता है ना। तो इस स्टोरी का मोरल क्या निकला है, यदि व्यक्ति ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसे ही मैंने ये बहुत सी स्टोरी लिखी है कि आप देखिए यहाँ पर भी एक डॉग पानी के अंदर गिर जाता है तो दूसरे डॉग को दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वो देखता है कि उसको एक हड्डी दिखाई दे रही है तो वो समझ जाता है कि ये डॉग और इसके अंदर डॉग गिरा हुआ है ना, और वो उसको बचा लेता है। ये पिक्चर देखिए गाइस कितनी अच्छी लगी है, कितने अच्छे से तैयार की गई है, और इस तरीके से सारी पिक्चर तैयार हुई है। स्टोरी ये पिक्चर देखकर गाइस कुछ याद आया, ये कौवा क्या है, इसके मुंह में क्या है, यहाँ स्टोरी में लिखा हुआ है कि इसके मुंह में एक चीज होता है, एक जब पुरानी स्टोरी बुक में हमने पढ़ा था तो उसमें लिखा रोटी लिखा हुआ था, है ना। तो इसके मुंह में क्या होता है, ये रोटी का टुकड़ा होता है। और लोमड़ी जो है चलाक होती है, लोमड़ी इसके पास आती है, कौवा भाई मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं और आपकी आवाज क्या है, बहुत अच्छी है। और जैसे ही कौवा ऐसे बोल लोमड़ी से बोलती है तो कौवा जैसे ही अपनी चोंच को खोलता है, ये देखिए आप यहाँ पर, तो उसके मुंह से क्या है, रोटी क्या है, गिर जाती है। और क्या होता है, लोमड़ी उसकी रोटी को लेकर भाग जाती है, ये देखिए। और जब तो क्या इससे भी क्या पता चलता है कि वो उसके साथ क्या करती है, चीट करती है ना, गलत करती है, जो कि नहीं करना चाहिए ना, हमें किसी के साथ चीट नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से आप देखिए, मैं आपको ज्यादा ना स्टोरी के बारे में बताते हुए मैं आपको जल्दी से दिखाऊंगी, क्योंकि गाइस बहुत लंबी वीडियो होने की वजह से मैं आपको थोड़ा जल्दी ही बता रही हूँ। और ये देखिए, ये भी इसी स्टोरी का नाम है, द फॉक्स एंड द गॉड, फॉक्स एंड द गॉड पिक्चर। ये देखिए, मेरा बस इस फाइल को दिखाने का मकसद ये है कि इस तरीके से देखिए गाइस कितने अच्छे से फाइल तैयार की जाती है, कोर्स के अंदर सारे असाइनमेंट्स कितने अच्छे से तैयार किए जाते हैं, कितने अच्छे से सब चीज़ों को बनाना होता है, और यहाँ आकर ये फाइल खत्म हो गई है। ये स्टोरी यहाँ पर आकर खत्म हो गई। और इस स्टोरी का मोरल निकला है, लुक बिफोर यू लीव, स्टोरी का वो उसको पानी में जंप कराता है गोट को, क्या लोमड़ी को जंप कराता है गोट को, लंप कहता है कि भी आप जंप करो तो बचाने के लिए। वो जैसे ही जंप करता है गोट, तो वो पानी एकदम जंप होता है और वो उछल के बाहर निकल जाता है और गोट के अंदर वो भी क्या उसके साथ चीट करता है। तो इस तरीके से ये फाइल तैयार होती है गाइस। ये मेरी फाइल आपको कैसी लगी आप मुझे जरूर से बताइएगा, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें गाइस। और ये PTT का कोर्स के अंदर जो बनाई जाती है फाइल, मैं वो आपको दिखा रही थी, उसके बारे में आपको बता रही थी। तो गाइस जरूर से आप मेरी वीडियो को प्लीज पसंद करें, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें। जय मसीह की।